नमस्कार, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित खान। स्पेन के दिग्गज टेनिस स्टार राफेल नडाल ने इतिहास रच दिया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताबी मुकाबला राफेल नडाल और अमेरिकी ओपन चैंपियन डैनिल के बीच खेला गया। पिछले साल जुलाई में विंबलडन खत्म होने के बाद टेनिस जगत में एक ही चर्चा थी कि 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाला पहला पुरुष खिलाड़ी कौन होगा, और इसका जवाब है राफेल नडाल। राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताबी मुकाबला जीतकर 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम कर लिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इस तरह नडाल मेन सिंगल के सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बन गए। नडाल ने रोजर फेडर और नोवाक जोकोविच को पीछे छोड़कर ये रिकॉर्ड बनाया। 5 घंटे 24 मिनट तक चले मुकाबले में रूस के खिलाड़ी को 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5 से हराकर दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया। वहीं लगातार दूसरी साल मेदवेदेव को ऑस्ट्रेलियन ओपन में हार का सामना करना पड़ा। 145 साल के ग्रैंड स्लैम इतिहास में नडाल सबसे ज्यादा बार खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नडाल 35 साल के हैं और उन्होंने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए अपने से 10 साल छोटे खिलाड़ी को धूल चटा दी। उम्मीद के मुताबिक फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। वहीं ये उनके करियर का दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब था। पिछली बार उन्होंने साल 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। राफेल नडाल सभी 4 बड़ी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता सबसे अधिक बार जीतने के मामले में अब 4th नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं। दूसरी ओर डैनियल अपने टेनिस करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने से चूक गए। फाइनल तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की थी। फाइनल मुकाबले में उन्होंने नडाल को कड़ी टक्कर भी दी, लेकिन खिताब उनके नाम नहीं रहा। वह पहली बार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन उन्हें इस बार भी जीत नहीं मिली। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया के साथ।